को मैंने पहला वोट डाला, समाजवादी पार्टी को मैंने दूसरा वोट डाला। अब मैंने आप सबके सामने, कोई बात नहीं सोचिए, अब मैंने आप सबके बात को दिखाया कि मैंने इन सभी पार्टीज को, जो पांचों पार्टी हमारे पास है, इनको दो दो वोट डाले। और जैसे कि मॉक टेस्ट में सुबह सुबह लोगों को दिखाया जाता है बेवकूफ बनाने के लिए, और 5 दिन पहले इलेक्शन से पहले कैंडिडेट्स को बेवकूफ बनाने के लिए बुलाया जाता है कि आओ तुम्हें हम मशीन की जांच कराएंगे, आओ हम प्रजातंत्र के अंदर दिखाएंगे कि मशीन बिल्कुल सच्ची है। काउंटिंग डे वाले दिन जब बक्सा खुलेगा तब किसको कितनी वोट मिलेगी, तो कैंडिडेट 1 जो है वो आम आदमी पार्टी है, 2 जो है वो BSP है, 3 जो है वो भारतीय जनता पार्टी है, 4 जो है वो कांग्रेस है, 5 जो है वो समाजवादी पार्टी है। किसको आप ध्यान से दिखाना है। अब मैं रिजल्ट दबा रहा, टोटल वोट 19, पहले कैंडिडेट को 2, दूसरे को 2, तीसरे को 11, मुबारक हो सिद्धा जी, चौथे को 2, पांचवें को 2, छठे को 0, सातवें को 0, आठवें को 0, नौवें को 0। अब ढोल आ गए, सिद्धा जी और जगदीश जी नाच रहे। हम लोग चुनाव आयोग के दफ्तर जाते हैं, पता लगता है कि जनरेशन 1 की मशीन, जनरेशन 2 और जनरेशन 3 की आज की लेटेस्ट मशीनें उपलब्ध हैं देश में और चुनाव आयोग के पास। पर दिल्ली नगर निगम का चुनाव आज की जनरेशन 3 की लेटेस्ट मशीनों पे नहीं किया जाता, तो तालों में कहीं बंद पड़ी हुई है। जनरेशन 1 की मशीनों पर, पुरानी कंडम मशीनों के ऊपर जिसमें बहुत इजिली टेम्परिंग पॉसिबल है, उस पर चुनाव कराया जाता है। तुगलकाबाद साउथ 94 वार्ड में 3 EVM मशीनों की सील टूटी हुई मिली। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस रूम में ये मशीनें रखी थी उसकी भी सील टूटी हुई मिली। और उसके बाद रात को 12:30 बजे का CCTV फुटेज उन EVM मशीनें जहाँ रखी थी उसका है, लेकिन रात को 12:30 बजे का जो खेल होता है उससे पहले CCTV कैमरास को डैमेज करके रात को सील तोड़कर 4 मशीनों के साथ छेड़खानी की जाती है। रिजल्ट आ गया कि जिन्होंने ये साजिशें रच रहे हैं उनके उम्मीदवार जीते हैं वहां पर, लेकिन इसका जवाब नहीं मिल रहा हम लोगों को।